हेलो फ्रेंड्स, आज फिर मैं आया हूँ एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में लेके आया हूँ रेडमी नोट 4 के लिए टेम्पर ग्लास, जो कि मैंने अपने यहाँ के लोकल मार्केट से ख़रीदा है। ये टेम्पर ग्लास मुझे 50 रुपीज़ में मिला है। इस टेम्पर ग्लास के साथ कुछ कवर नहीं आता है। मैंने दुकान वाले से बोला तो उसने मुझे एक कवर दे दिया। जैसे कि देख सकते हैं आप, कवर पर आईफोन 5 का डिज़ाइन बना हुआ है और कवर के पीछे देखेंगे तो आपको लिखा हुआ मिल जाएगा गोरिल्ला ग्लास करके, और इसके स्पेसिफिकेशन वगैरह लिखे हुए। तो इस कवर के कुछ डिटेल्स जो भी आप देख रहे हैं इस पर कुछ ध्यान मत दीजिए। ये नॉर्मली टेम्पर ग्लास है जो कि मैंने लोकल स्टोर से लिया है। चलिए अब इस टेम्पर ग्लास को निकाल के देख लेते हैं किस तरह से दिखता है। आप देख सकते हैं ये टेम्पर ग्लास फुल बॉडी टेम्पर ग्लास है, ये जो कि रेडमी नोट 4 2.5D कब आता है इसके लिए टेम्पर ग्लास है। फुल बॉडी टेम्पर ग्लास है, उसकी पूरी डिस्प्ले को कवर कर लेता है ये। इस टेम्पर ग्लास को लगाने के बाद आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि आपने कुछ टेम्पर ग्लास लगाया है कि नहीं, अगर आप कवर के साथ यूज़ करेंगे तो। चलिए अब अपने फ़ोन का मैं जो स्क्रीन प्रोटेक्टर मुझे मिला था MI की तरफ से वो निकाल लेता हूँ, जो हर फ़ोन के साथ आता है। इसे निकालने के बाद अब नए टेम्पर ग्लास को लगा के देखता हूँ। पहले तो अब मैं डिस्प्ले को साफ कर लेता हूँ अच्छी तरह से। अगर आपको टेम्पर ग्लास लगाना है तो आप थोड़े जहाँ पे डस्ट वगैरह ना हो और फैन वगैरह चालू हो तो उसे बंद करके लगाएं, क्योंकि बार बार डिस्प्ले पे डस्ट आ जाएगा तो इससे आपका टेम्पर ग्लास अच्छे से बैठेगा नहीं और उसमें डस्ट भी दिखेगा आपको। पहले तो मैं टेम्पर ग्लास को डिस्प्ले पर रख के देख लेता हूँ किस तरह से दिखता है। इस टेम्पर ग्लास में आपको हर जगह कटिंग्स मिलेंगे, जैसे कि फ्रंट कैमरा के लिए और बैक की के लिए, मेन्यू के लिए और रैम क्लीनिंग के लिए और सेंसर वगैरह के लिए, स्पीकर के लिए। तो इस चीज़ को ध्यान रख के आप परफेक्टली फिट कीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं डिस्प्ले को बार बार क्लीन कर रहा हूँ क्योंकि मैं ओपन जगह पे कर रहा हूँ और फैन चालू है। तो आप इस तरह से मत कीजिए, आप थोड़े जहाँ पे पैक हो जगह और फैन बंद हो उस जगह पे रख के अगर आप करेंगे थोड़ा भी डस्ट नहीं आएगा, आपको लगाने में इजी होगा। तो भी मैं कोशिश करता हूँ कि परफेक्टली लग जाइए। तो इसके पीछे की तरफ देखेंगे तो आपको एक उसकी स्टिकर मिलेगी जिसे आपको हटाना होगा। इसे हटाने के बाद आप इसे आराम से लगा सकते हैं। मैं इस चीज़ में प्रोफेशनल तो नहीं हूँ मगर फिर भी ट्राई करूँगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे अपने फ़ोन में पर्सनली खुद ही टेम्पर ग्लास लगाए हैं। तो मैं स्टोर से नहीं लगा के लेता हूँ टेम्पर ग्लास। जैसे कि देख सकते हैं आप, मैंने टेम्पर ग्लास लगा लिया है। अब मैं इसे थोड़े कपड़े से साफ़ कर लेता हूँ और जो जहाँ पे थोड़ा बचा होगा बबल्स वगैरह होंगे वो भी निकल जाएंगे। तो अभी देख सकते हैं आप, ये पूरी तरह लग चुका है। अब इसे मैं चेक कर लेता हूँ सेंसर वगैरह और बाकी सब चीज़ें फिट हुई कि नहीं बराबर। देखिए जैसे कि बैक की काम कर रहा है, मेन्यू की काम कर रहा है
और रैम क्लीनिंग के लिए भी बटन जो दिया है डिस्प्ले में वो भी काम कर रहा है, मतलब ये परफेक्टली फिट हो चुका है। अभी मैं आपको दोनों फ़ोन को दिखाता हूँ जो मैंने डार्क ग्रे में और ब्लैक कलर में लिया था। दोनों पे मैंने टेम्पर ग्लास लगाया है, एक को मैंने नॉर्मल टेम्पर ग्लास लगाया वो भी मुझे 50 रुपीज़ में मिला और ये वाला टेम्पर ग्लास भी मुझे 50 रुपीज़ में मिला। अगर आप क्वांटिटी में लेंगे तो 50 रुपीज़ में मिलेगा, नहीं तो आपको 100 रुपीज़ में मिलेगा। मगर ये जो सादा टेम्पर ग्लास है मैंने जो डार्क ग्रे पे लगाया वो आपको 50 रुपीज़ में मिल जाएगा सिंगल पीस में। और जो मैंने अभी जो टेम्पर ग्लास इस पर लगाया है ब्लैक कलर वाले थे वो टेम्पर ग्लास आपको 100 रुपीज़ में मिलेगा, मगर आप दुकान वाले से बार्गेनिंग करेंगे तो आपको 50 रुपीज़ में दे देगा। ये टेम्पर ग्लास मैंने मजीद बंदर से लिया है जो कि बॉम्बे में आता है। मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, और इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी वीडियो मेरे चैनल पर आएंगे तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें।